राजस्थान द स्टेट ऑफ हिस्ट्री। राजस्थान का ही एक शहर द एजुकेशन सिटी कोटा। कोटा वैसे तो अपने अंदर न जाने कितनी कृतियां समेटे हुए हैं। इसकी विविधता और शैक्षिक आकर्षण के कारण ये पूरे देश के विद्यार्थियों को आकर्षित करता है। जहां दिलों में आस्था और रगों में विज्ञान रहता है, तो चंबल का ऐतिहासिक पानी जन्म देता है देश के भविष्य को। कोटा शहर के ही अग्रिम आकर्षण केंद्रों में से एक है किशोर सागर तालाब, जो खुद में ही दुनिया के 7 अजूबों का गौरव समेटे हुए है। तालाब के मध्य स्थित है ये भव्य जग मंदिर, जो राजा दुर्जनसाल की महारानी ब्रज कुंवर ने सन 1745 ईस्वी में बनवाया था। मंदिर के चारों ओर फैला जलाशय सुंदरता की अद्भुत मिसाल है। पौराणिक काल में जो आभाई मंदिर अपने अंदर समेटे था, वो आज भी उसी भांति का है। कोटा से ही कुछ मील की दूरी पर इतिहास के पन्नों में अमर एक और कहानी है। कहानी है कागरों की। यह दुर्ग जल दुर्ग और वन दुर्ग का अद्भुत मिश्रण है। सुरक्षा की दृष्टि से कालीसिंध और आहू नदी तीन ओर से इसे घेरे हैं। जहां नदियों की गोद में सुरक्षित है, वहीं चारों ओर फैला हुआ जंगल इसकी पूर्णतः रक्षा करता है। पूरे हाड़ौती में इसके इतिहास की कहानियां सुप्रसिद्ध हैं। कालांतर में ये किला महमूद, खिलजी, अकबर जैसे सुल्तानों के अधिपत्य रहा। बाद में औरंगजेब ने ये किला कोटा के महाराव भीमसेन को दे दिया। दुर्ग की दीवारें उसके अदम्य साहस और बलिदान की कहानी खुद सुना। 13 परकोटों से सुरक्षित ये सबल दुर्ग दुर्ग के शत्रुओं के समक्ष अपने सक्षम का परिचय देता आया है। तभी तो 14वीं शताब्दी का ये बेमिसाल किला 14 बार किए गए हमलों के बावजूद अभी भी उसी राजपुताना गौरव से झालावाड़ के बाहर पहरा दे रहा है। झालावाड़ जिले में ही झालरों के नगर के नाम से जाना पहचाना झालरा पाटन है, जिसके हृदय स्थल यहाँ का सूर्य मंदिर। 9वीं सदी का ये मंदिर अपनी प्राचीनता और स्थापत्य वैभव के कारण कोणार्क के सूर्य मंदिर का स्मरण करवाता है। दीवारों पर उकेरी आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक ज्ञान और विश्वास की परिचायक। मंदिर में चतुर्भुज सूर्य नारायण की प्रतिमा का दर्शन दुर्लभ है।